कान उड़राओ, कान उड़राओ, इन्हू वटा मारो, वटे मार वटे दो तीन थलो। लेकिन जो हमने ये बॉडी गार्ड रखे हुए हैं, देखें आपने देखा होगा किस तरीके से पीछे पड़ गए। अगर ना होते मैं अकेला होता तो शायद कव्वे ने हमारा कॉकटेल गुम कर देना था। पा दे, रुक जा, उन्हें छोड़ दे, उन्हें छोड़ दे, इन्हू तो पिंजरे च पा, चल रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, डर जाना। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और आज फिर प्रैक्टिस जारी है, दो को हम अपने फ्लाइट इन नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, दिल टूट गया था मेरा, येलो कॉमन वाइट जो मेरा जब डेथ हुई थी ना। हालांकि ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा इनका जा रहा था रूटीन फ्लाइंग ट्रेनिंग की, लेकिन तब से बस एम ही अपसेट सा हुआ मैं हुआ, और इनको फिर मैंने दिल ही नहीं किया। मैंने कहा यार ना, बाकी अभी छोड़ते हैं इनको दोनों को, ये एक तो खुद ही आ जाता है, इसको पता है कि जनाब उड़ना है, बंद कर दिए क्योंकि मगर ले लग गए, कोई नहीं हुए। ये देखें माशाल्लाह से आज तो इसने ना सीटी ना मार, आज सही वैसे फ्लाइंग कर रहा है दिल से, आज तो दिल से लगा हुआ है, वरना तो ये हमारी जान ही नहीं छोड़ता था। आ गया दूसरा भी काट ला डब्बा, और पानी मैं खल पिलाया इन्हों, आ जाएगा ये, बस खोल दे ना, छोड़ दे, रुक जा, पीछे हो जा, आ जाएगा, पीछे हो जा, तो पीछे हो जा, फिर उड़ गया। आज इसका दिल कर रहा है उड़ने का जनाब का, एक तो पेट भी फुल है, ये देखे माशाल्लाह से, उन्होंने हाथ पा के काट लिया। और आज वैसे भी खुश मिजाज लग रहा है, वरना तो बल्कि मेन जो बात है ना, जब मैं लाता हूँ थोड़े से भूखे लाता हूँ ताकि ज़्यादा दूर ना जाएं, हमारी तरफ ज़्यादा फोकस हो। आज माशाल्लाह से पेट और निकले ही बाहर, इन्हें गेड़ी पाया नहीं, ये नहीं अड्डे लगा, वो दूसरा भी निकल रहा था भाई जो कि अभी ट्रेन नहीं किया, और उसने जहाँ जाना था उसकी ब्रेक नहीं लगनी थी। ये देखें ये जनाब फ्लाइंग ही इसकी ज़मीन के ऊपर होती है, ये भी गया, और एक मेरे शोल्डर के ऊपर, और एक ये देखें हेड शॉट अच्छा खेल लेता है ये, यानी कि हेड के ऊपर बैठने का। बाकी टेल्स थोड़ी सी गीली हुई पड़ी हैं, पानी पीने वाला रखा था तो अक्सर औकात घूमते फिरते टेल पानी के अंदर आ जाती है जिसकी वजह से गीली। बाकी माशाल्लाह से ये देखें जी, और ये भी हमारा ये गया। जो मज़ा हमारा हीरो दे गया है ना, हीरो के बाद एंट्री, इनको भी हीरो बनाना था, बिल्कुल हीरो की कापियाँ थी, लेकिन कॉमन वाइट के जाने से जैसे दिल टूट गया, तो मैंने बस इनको वैसे भी इनके साथ छोड़ दिया। मैंने कहा यार रहो आप इकट्ठे, कहाँ लग गए पीछे, कहाँ लग गई, और इन्हू भी ना उड़ा यार, कान उड़राओ, इन्हू वटे मार वटे दो तीन थलो। वटे मार वटे इत्थे, काफी लंबे निकल गए हैं,
काफी लंबे निकल गए जनाब। नहीं नहीं खड़ा रहा खड़ा रहा, आ जाएंगे। तुसी ना सीटी मारो, ओए होए होए सीटीएं मार। इन पिंजरे च पा दे, पा रुक जा, उन्हें छड़ दे, उन्हें छड़ दे, इनू तू पिंजरे च पा। चल रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, डर जाना पीछे रहो, तुसी रहन दियो। और ये देखे माशाल्लाह से डरा दिया, कौवा भी पीछे लगा, कौवे से कुछ डरा है। और बहुत लंबा बस जूम नहीं कर पाया क्योंकि टेंशन लग गई जितना लंबा ये निकले हैं। और एट द एंड हमारे दोनों वापस आ चुके हैं क्योंकि कौवे से काफ़ी ज़्यादा चालू हैं दोनों ही, और मेरी विसल भी एंड पे थी बिल्कुल। और माशाल्लाह से फिर भी वापस पहुँच आए हैं, घबराए ज़रूर है लेकिन वापस उन्होंने एट द एंड हमारे पास ही की है। हालांकि ये यहाँ से कह लें कि मैं दिखाता हूँ, शायद आपको नहीं पता चला होगा, जो वो घर नज़र आ रहा है उसकी बैक साइड पर जाके उड़ते रहे हैं। और अचानक से थोड़ी बहुत उनको विसल हमारी सुनाई दी है और वहाँ से आते आते ये देखे कितना डिस्टेंस आपके सामने बन जाता है, कहाँ पे वो है उस घर के भी दूसरी तरफ। तो गया था सड़क से उस तरफ जहाँ पे इसका सबसे छोटा भाई पहले गुम हुआ था, लेकिन शाम को हमने ढूंढ लिया था। और वहाँ से भी अल्हम्दुलिल्लाह ये घूमता घुमाता कह लेंगे, ये देखें सारा एरिया वापस आ गए हैं। बस ये है कि कभी कभार बर्ड डर जाता है, और डरा ये है ऊपर से एग्रेट जा रहा था, बगला जिसे बोल लें, बगले से डरा है। और कह लें कि काफ़ी लंबा निकला लेकिन माशाल्लाह से थोड़ा सा इसने पहचाना हमें, आ गया। और यही वजह है कि मैं बार बार कहता हूं कि आप बर्ड को अच्छे तरीके से उड़ाते रहें प्रॉपर दूसरे तीसरे दिन, ताकि उसको आपकी विसल की पहचान रहे, फ्लाइंग का पता रहे कि हम वापस ही आना है, यहीं पर दूर नहीं निकलना। जब कभी आप लेट कर देते हैं, महीना दो तीन महीने बाद उड़ाया, 15 दिन बाद उड़ाया, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बर्ड सब कुछ भूलना स्टार्ट कर देता है, जिस तरह मेरे पिजन्स भूल गए हुए हैं जो मैंने फ़्लाई टाइम किए थे। और इसी वजह से इनको मैं दूसरे तीसरे दिन फ्लाई करने के लिए ले आता हूँ, फिर वीडियो भी शेयर कर देता हूँ। ठीक है, बाकी अल्लाह का शुक्र है दोनों सही सलामत आ गए। कौवा तो लगा था पीछे, लेकिन जो हमने ये बॉडी गार्ड्स रखे हुए हैं, देखें आपने देखा हो कि किस तरीके से पीछे पड़ गए। अगर ना होते, मैं अकेला होता, तो शायद कौवे ने हमारा कॉकटेल गुम कर देना था, और इनकी वजह से कौवा भाग गया और ये थोड़े से कह लें कि वापस हमारे पास पहुँचे। ये इसके अभी भी जहन में वही है, खौफ है, ऊपर की तरफ देख रहा है कि क्या जा रहा है क्या नहीं है। ये देखें बाकी नॉर्मली बैठे हैं, ये थोड़ा सा घबराया है अभी तक, इसके अंदर घबराहट है, ये किस तरह देख रहा है सारा माहौल। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सॉरी।